भारत की सीमाओं की सुरक्षा हेतु आज एक बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज पहाड़ पर डायनामाइट के द्वारा पहला ब्लास्ट करके जम्मू कश्मीर में जोजिला टनल के निर्माण कार्य को हरी झंडी दिखा दी है। आइए समझते हैं कि क्या महत्व रखता है जोजिला टनल का देश की सीमाओं को सुरक्षित बनाने में। दरअसल यह सुरंग जब बनकर तैयार होगी तो श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह के इलाके आपस में 12 महीने जुड़े रहेंगे, जो कि अभी यहां भारी बर्फबारी के कारण साल के कई महीने आवाजाही रुक जाती है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इस सड़क के रास्ते ही सियाचिन में तैनात सैनिकों को जरूरी सामान मुहैया कराया जाता है। इसके निर्माण के पश्चात श्रीनगर, करगिल, लेह के मार्ग में हिमस्खलन का डर भी नहीं होगा। सेना के साथ साथ आम जनता भी अब हर मौसम में कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच संपर्क बनाए रख सकेगी। जोजिला टनल की कुल लंबाई लगभग 14.5 किलोमीटर बताई जा रही है। इसके निर्माण के पश्चात अभी 3 घंटे में तय की जाने वाली दूरी लगभग 15 मिनट में पूरी की जा सकेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 6,808 करोड़ बताई जा रही है। यह सुरंग जोजिला पास के नीचे करीब 3,000 मीटर की ऊंचाई पर बनेगी। सुरंग के हर 125 मीटर पर इमरजेंसी कॉल की सुविधा होगी, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम होंगे, मैनुअल फायर अलार्म बटन होंगे, दीवारों पर सीसीटीवी कैमरा होंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह सुरंग सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और अनुमानित अगले 6 सालों में बनकर तैयार होगी।